नमस्कार, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आज का महामंत्र क्या है, आज का पंचांग क्या कहता है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, राहु काल कब है, शुभ तिथि कब है, शुभ मुहूर्त कब है, कौन सा योग है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियाँ क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको धन लाभ होगा, कौन भूमि भवन खरीदने वाला है, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, किस अंक से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है, ये सारी बातें भी बताऊंगा। और इसके बाद ये भी बताऊंगा कि आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, और क्या दान करें, क्या मंत्र पढ़ें, सारी बातें आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज के जो जन्मदिन है वो क्या कहता है, उसका वर्षफल कैसा रहेगा, आपका पूरा वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। और अब आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। आज का महामंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। यह आज का दिन जो है बुधवार है। बुधवार खासतौर से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश भक्तों के सभी कष्ट और परेशानियों को दूर करने वाले हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। ये देवताओं में अग्रणीय पूज्य हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां समाप्त होती है, साथ ही साथ आपके सभी समस्याओं का समूल समाधान होता है। और आज आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें और दुर्वा अर्पित करना न भूलें। तो आज का दिन बुधवार है। यदि आपकी कुंडली में बुध की महादशा चल रहा है, बुध का अंतर चल रहा है, बुध का प्रत्यंतर चल रहा है, और लगता है कि बुध ग्रह आपका नीच का है, और बुध ग्रह के नीच के होने के नाते आपको अपने को दाम्पत्य जीवन में कटुता महसूस कर रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, बच्चों से वैचारिक मतभेद है, अपने को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, नसों की प्रॉब्लम है आपको, और बुध आपका छठे आठवें बारहवें घर में बैठा हो उसके नाते आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा हो, लगता है कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपकी कार्य में दिक्कतें आ रही है, आपका कार्य नहीं संपन्न हो पा रहा है, आपको आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, मीन राशि का बुध नीच का होकर के बारहवें बैठा है, जो छठे का स्वामी होकर के तीसरे और छठे का होकर के बारहवें बैठा है, और उसी की महादशा चल रही है और आप परेशान हैं। ऐसे परिस्थिति में आप बुध ग्रह के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करें। जो मंत्र मैंने बताया, इस मंत्र को अगर आप एक माला, तीन माला, 11 माला अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से बुध जनित परेशानी आपकी दूर होंगी, आर्थिक संकट आपका दूर होगा, और आपका बुध ग्रह जो प्रतिकूल है वो भी अनुकूल फल देने लगेगा। ऐसा करने से आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, नंबर एक। नंबर दो, यदि आप लगता है कि मैनेजमेंट का, सीए का, लॉ का, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में बुध आपका ग्रह खराब है, ऐसे परिस्थिति निश्चित रूप से आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें, आपका बुध आपके अनुकूल फल देगा और आपके लक्ष्य में बड़ी सफलता मिलेगी। और तीसरी बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान जरूर करें, जैसे हरा मूंग है, हरा वस्त्र है, गाय को हरा चारा है, खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज है 19 अक्टूबर 2022, दिन है बुधवार, नवमी तिथि है जो दोपहर 2:18 तो 16 मिनट तक रहेगा, नक्षत्र है पुष्य जो 8:02 तक रहेगा, कृष्ण पक्ष है और साध्य योग है, सूर्योदय हो चुका है सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होने का समय है 5:47 पर, चंद्रमा जो रहेगा कर्क राशि में, शुभ समय है प्रातःकाल 10:50 से लेकर के दोपहर 12:15 तक रहेगा, राहु काल है दोपहर 12:05 से लेकर के 1:31 तक रहेगा, उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा आप कतई न करें, लगता है यात्रा परिहार्य तो आप प्रस्थान रख लें, प्रस्थान के साथ कर सकते हैं, लेकिन उस दिन दिशाशूल में यात्रा करने से बचे, नहीं तो यात्रा कष्टप्रद हो सकता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपका कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा,
और यदि राहु काल में किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपका कार्य होते होते रह जाएगा, तो राहु काल में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में कि आज का राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, किसको विदेश से धन लाभ होगा, कौन आयात निर्यात करने वाला है, कौन खेल के क्षेत्र में आज यश प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, कौन फिल्मी दुनिया से आज को धन अर्जित करेगा, किसकी फिल्में हिट होंगी, किसको संगीत के क्षेत्र में आज उसका बड़ा नाम होगा, कौन विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा कार्य करने वाला है, किसको सोना चांदी के क्षेत्र से लाभ होगा, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी माइन से किसको लाभ होने वाला है, ये सारी बातें बताऊंगा, किसका भाग्योदय होगा, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, शुभ समय क्या है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और उपाय क्या करेंगे ये भी बात बताऊंगा, सावधानियां क्या बरतनी है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं आज आपका भाग्य अनुकूल है, भाग्य से सभी कार्य आपके संपन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, चतुर्दिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा, नए व्यापार करने का योग बन रहा है, आपका समय सर्वोत्तम चल रहा है, माली हालत आपकी अच्छी होगी, लेखन कार्य से धन अर्जित करेंगे इसका प्रबल योग बन रहा है, परिवार में शुभ कार्य होते हुए दिख रहा है, माता पिता का सुख और सहयोग मिलेगा। आज आपको क्या करना है कि अपने पारिवारिक स्थिति पर ध्यान रखना है, पत्नी को नौकरी मिल सकती है, पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता है समाप्त होगा, बच्चों की टेरिटरी में बेवजह दखलंदाजी न करें, उन पर पैनी नजर रखें, उनको इनकरेज करें, सावधानी क्या बरतनी, एकाग्र होकर अपना कार्य करें। उपाय क्या करना, आज आपको सूर्यदेव को जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, तांबे का एक लोटा ले लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए और चावल को लाल रंग में रंग लीजिए और क्या करें कि वो ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं आज आपको लेखन कार्य से धन मिलेगा, बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे, आज आप जितना परिश्रम करेंगे उससे अधिक लाभ मिलेगा, तो जरूरत है परिश्रम करने की, यात्रा तीर्थाटन देशाटन से लाभ मिलेगा, रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ते हुए दिख रहा है, आज आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, संतान से मन प्रसन्न रहेगा, संतान की टेरिटरी में एकदम आप दखल अंदाजी ना करें, उनका पैनी नजर रखें, उनको इनकरेज करें और उनके करियर ओरिएंटेड उनको इनकरेज करिए कि करियर ओरिएंटेड होकर कार्य करें, आलस्य का परित्याग करें और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें, तो बच्चे की प्रगति से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर आज आपको नियंत्रण करना है। उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र दान करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग बैगनी, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, माली हालत सशक्त होगी, प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, नए मेहमान के आगमन से मन प्रफुल्लित रहेगा, पत्नी का सुख प्राप्त होगा, चतुर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, शासन सत्ता सरकार से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, सरकारी योजनाओं से आज आपको लाभ मिलेगा, लोगों में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पिता का सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, परिवार में जो भी दायित्व आप निर्वाह करेंगे वो आपका बड़ा ही अच्छा रहेगा, आपको एक अहम भूमिका रहेगी, पारिवारिक दायित्व को भाई बहनों के प्रगति के लिए आज आप एक नया योगदान रहेंगे और आज आप कुल को अलंकृत करने वाले हो सकते हैं, आपको शेयर से ट्रेडिंग से रियल इस्टेट से प्रॉपर्टी से अगर इसमें पूंजी निवेश करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके धन लाभ होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, शत्रु से सावधान रहें। उपाय क्या करना, हरा चारा गाय को खिलावें और गणेश जी की आराधना करना न भूलें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, आज आपको बड़ी सफलता का योग बन रहा है, खड्यंत्रकारी विफल रहेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि का योग है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, राजनैतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, समाज सेवा में आज आपका मान बढ़ेगा, मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि आज आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, आपका कर्क राशि है, आपका मन बेवजह उद्विग्न हो सकता है, तनाव में आ सकता है, तो अपने तनाव से बचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, नंबर 1। नंबर 2, पारिवारिक जो भी दायित्व है उसको पूर्ण करने में सफल रहेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन करें और जो भी लक्ष्य बनावें, जो भी इमेजिनेशन रखते हैं उसको रियलिटी में बदल सकते हैं, तो समय अनुकूल है, समय का सदुपयोग करें। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं आज आपको नए
पास है, लाभ मिलते हुए दिख रहा है। समय आपके अनुकूल है, महत्वपूर्ण है, तो जो भी एफर्ट करेंगे बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, भाइयों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है, नए मेहमान के आने की संभावना बन रही है, मान सम्मान बढ़ सकता है आज आपका। आज आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेखन कार्य से धन मिलेगा, पत्रकारिता जगत में अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपकी प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नत हो सकती है। आज आपका एकेडमिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है, जिस साहित्यकार हैं लेखक हैं तो आज आप अच्छा कहानी लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, संगीत लिख सकते हो, उस क्षेत्र से आपकी एक नई पहचान बनते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, उपाय क्या करना है, आज आपको गायत्री मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है मैरून, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं आज आपको लेखन कार्य से धन मिलते हुए दिख रहा है, संतान सुख मिलेगा, नकारात्मक सोच से बचें, अपने मन को संतुलित रखें, आज आपको बड़ी सफलता चारों तरफ से मिलती हुई दिख रही है, अपनी योजनाओं को अच्छे से चयन करिए और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करिए, आज आपका समय अनुकूल है, उद्योग धंधा लगा सकते हैं, इंडस्ट्री से लाभ मिलेगा, कारोबार से भी लाभ मिलेगा, नए प्रकार के कारोबार आप कर सकते हैं। आज आपको ये ध्यान रखना है कि जब शेयर में, ट्रेडिंग में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सीएस में, अगर आप टेक्निकल डिग्री में लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अनुकूल समय है। यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना करियर अपनाना चाहते हैं तो आज आप शतरंज में, शूटिंग में, नए तरह के कार्यों में अच्छा लाभ कर सकते हैं, अच्छा बढ़ सकते हैं, अच्छी पदोन्नत हो सकती है, प्रगति हो सकती है, तो क्षेत्र में अपने करियर को लेकर के अलर्ट हो जाएं और कार्य करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करने की जरूरत है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, उपाय क्या करना है, भगवान शिव को लाल चंदन अर्पित करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की, तो जो तुला राशि के जातक हैं आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है, समाज में कुछ नया कार्य करेंगे, नए रोजगार मिलने की भी संभावना बन रही है, परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, आज आपको धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है, माली हालत आपके सुदृढ़ होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा, दाम्पत्य जीवन आज आपका उत्तम रहेगा, पिता के सहयोग से लाभ होगा। आपको ध्यान नहीं रखना है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत हर्ट करती है, तो कई बार अपने बने बनाए रिश्तों को एक सेकंड में समाप्त कर देते हैं, तो यह स्वभाव आपके लिए घातक हो सकता है, तो अपने को जितना संतुलित रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट ना हो, एग्रेशन में ना आवे, अपने को जितना संतुलित आचरण व्यवहार करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, समय का सदुपयोग करें, उपाय क्या करना है, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा और दुर्वा अर्पित करना न भूलें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपकी माली हालत अच्छी होगी, धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य पर अपने विशेष ध्यान दें, जल्दबाजी से कोई कार्य न करें, जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है, परिवार में समय दें अच्छा रहेगा, परिवार के प्रति कंसर्न रखें, भाग्य से सभी कार्य संपन्न होंगे, समाज में आज आपकी नए तरह के कार्य करने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक आपकी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण होंगी, दूरदेश की यात्रा होगी और कई ऐसे कार्य है जो आज होने की संभावना बन रही है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस वगैरह पूंजी निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी नहीं लगाना है, उपाय क्या करना है, आज संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्तु का दान करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं धनुराशि की, तो जो धनुराशि के जातक हैं आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, आप बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो आप परेशान ना हो, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, भूम भवन मकान खरीद सकते हैं, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरा होने की संभावना बन रही, चौतरफा लाभ होते हुए दिख रहा है, दूसरों की राय से, कीमती सलाह से धन अर्जित कर सकते हैं, आज आपकी जीवन संगिनी का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, उनको नौकरी मिल सकती है, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता हो सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है और माता पिता का सुख भी मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस में अगर पूंजी निवेश करने के लिए आपने सोच रखा है तो आप सावधान रहिए और साझेदारी में कोई कार्य न करें। उपाय क्या, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी कार्य करते हैं सोच समझ के निर्णय लें, उपाय क्या करना है, गायत्री मंत्र की आराधना करें, जप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है गोल्डन कलर, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। अब आइए बात करते हैं मकर राशि की, तो जो मकर राशि के जातक हैं आज आपको अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, क्योंकि आप बेवजह परेशान रहते हैं,
एग्रेशन में रहते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। भावनाओं में बाकी कोई कार्य ना करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, न्यायालय से लाभ मिलेगा, नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है और दोस्त आज आपकी मदद करेंगे, रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाद विवाद से बचें, मध्यम मार्ग अपनावें और जो आपका साथ है उसके साथ रहिए और जो लगता है कि आपके साथ लोग नहीं हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना पालिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो जितनी कम अपेक्षा रखेंगे उतनी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। उपाय क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभंक दो, शुभ रंग सफ़ेद, लक मीटर सात, हरे कृष्ण। हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ कार्य होने का शुभ योग चल रहा है, प्रबल योग चल रहा है। रोजगार के सुंदर अवसर मिलेंगे, नए व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। स्टार्टअप इत्यादि खोल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय सर्वोत्तम चला है। यदि आप टेक्निकल क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी योजनाएँ पूर्ण होंगी। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक लाभ होते हुए दिख रहा है। नए उद्योग लगा सकते हैं, नए व्यापार से लाभ मिलेगा। माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलते हुए दिख रहा है। आज आप कोई नए तरीके का अगर व्यापार करना चाहते हैं तो साझेदारी में न करें, अपने स्वयं के प्रयास से करें। स्टार्टअप इत्यादि के लिए बहुत बेहतरीन समय चल रहा है, करें, आपको उसमें लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। उपाय क्या करना है, संकट मोचन श्री हनुमान जी की आराधना करें। शुभ अंक है आठ, शुभ रंग हरा, लक मीटर आठ, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको लेखन कार्य से धन मिलेगा, धन लाभ होते हुए दिख रहा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसानदेह पहुंचा सकता है। समय का सदुपयोग करें, संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा। आध्यात्मिक विकास होगा, किसी आध्यात्मिक गुरु के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आय के संसाधन बढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करेंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आप प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, विभागाध्यक्ष हो सकते हैं। यदि आप मेडिकल फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, कालखंड बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी में फल्ट कर रहे हैं, अगर किसी नौकरी के लिए अगर प्रतियोगी परीक्षा का प्रतीक्षा कर रहे हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना, हल्दी की एक गांठ अपने पर्स में रखना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक है तीन, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है आठ, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे में। आज गुरु के नुस्खे में हम आपको बताएंगे कि अपने बुध ग्रह को कैसे आप मजबूत करें। अगर आपका बुध कमजोर है तो आपको बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आप अपने पास हरे रंग का रुमाल भी रख सकते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद होगा। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को हरी मूंग की दान और हरे रंग के कपड़े दान करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बुधवार के दिन में आप अगर हरा रंग पहनते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत ही पसंद है, तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को 21 दुर्वा अगर अर्पित करें तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो भगवान श्री गणेश के मस्तक पर दुर्वा अर्पित करना चाहिए, पैर पर नहीं, यह ध्यान रखना चाहिए। बुध दोष दूर करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें और हर दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र से कम एक माला जप करें। इस मंत्र के जप करने से आपका बुध ग्रह अगर छठे आठवें बारहवें बैठा है, मीन राशि का होकर के नीच का बैठा है या शत्रु की राशि में बैठा है तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, आपके लिए अनुकूल फल देने के लिए बात होगा। आज आपको क्या करना है कि गाय को हरी घास खिलावें, भगवान श्री गणेश के माथे पर सिंदूर का तिलक लगावें, इससे आपका हर कार्य में सफलता मिलेगी, आर्थिक उन्नति होगी और सदा आप पर धन की कृपा होगी, देवताओं की कृपा बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। बुधवार को पूजा के दौरान भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाना न भूलें। आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। भगवान श्री गणेश आपसे प्रसन्न होकर के आपके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी को सम्मी का पत्ता आपने देखा होगा, जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है या आप नेगेटिव थॉट में, तो दूर होगा। इसके साथ साथ आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी। आज आपको भगवान श्री गणेश के बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों को हर बुधवार के दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए, इससे शिक्षा में सफलता मिलती है और जो विद्यार्थी हैं उनकी बुद्धि शार्प होती है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो आपको भगवान श्री गणेश की आराधना
करने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उपलब्धि कर सकते हैं, आपकी बुद्धि तीव्र हो सकती है। तो आप भगवान श्री गणेश की, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह शिक्षार्थी हो, चाहे वह धनार्थी हो, चाहे पत्नी को चाहने वाले हो या जिनको विवाह की इच्छा हो, अगर भगवान श्री गणेश की आप आराधना करते हैं तो आपका चतुर्दिक विकास होगा। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का। तो हमारे साथ हैं पौड़ी से विनोद शर्मा जी, ये जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा है और आने वाला समय इनका कैसा रहेगा। तो विनोद जी, जो आपका जन्म समय है 26 जनवरी 1973 है, 22:30 पौड़ी में आपका जन्म हुआ है रात्रि में, और आपका प्रश्न ये है कि आप क्या जानना, आपका भविष्य कैसा रहेगा, ग्रह स्थितियाँ कैसी है। तो अभी वर्तमान में विनोद जी, आपका जो समय चल रहा है वह 6 अगस्त 2010 से 6 अगस्त 2027 तक बुध की महादशा चल रहा है। अभी वर्तमान में बुध की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हो गया 22 अगस्त को, अब आपका बुध में गुरु चलने वाला है, तो वो 28/11/24 तक चलेगा, जो 22 अगस्त 2022 से चल रहा है। तो ये जो पीरियड है आपका 2 वर्ष 3 महीने का, बहुत बढ़िया है और ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। इसमें आपकी माली हालत अच्छी होगी, भविष्य बढ़िया रहेगा। कन्या लग्न का जन्म है, लग्नेश बुध है आपका, और बुध आपका बैठा हुआ है सूर्य के साथ, सूर्य बुध आदित्य योग बना रहा है और गुरु भी साथ में बैठा पंचम में। तो ऐसे जातक बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं और जो उनका बाह्य व्यक्तित्व होता है वही आंतरिक व्यक्तित्व होता है, दिखावापन नहीं होता है। दोनों इनकम भाव को देख रहा है, तो आय का जरिया आपका बढ़िया होगा, आने वाला कालखंड अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे आज के जन्मदिन की। आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आज 19 अक्टूबर 2022 है। आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनका जन्मदिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, आपके सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा वैभव में वृद्धि हो, आप पर भगवान श्री गणेश की कृपा बरसे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। आज 19 तारीख है, 19 तारीख के जो जन्मे जातक हो तो उनका मूलांक होता है 1। तो खास तौर से 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख के जो जन्मे जातक हो तो उनका मूलांक होता है 1। जो 1 नंबर के जातक होते हैं, नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता त्वरित होती है, और इस तरीके के लोग खास तौर से तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, तानाशाह होते हैं, किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, वो किसी के टेरिटरी में ना दखलंदाजी करते हैं, ना अपने टेरिटरी में किसी की दखलंदाजी पसंद करते हैं, और ऐसे लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, वह प्रधान बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जिनका नंबर 1 होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर जाते हैं। आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपको बेवजह गुस्सा आता, अपने संबंधों को बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। उपाय क्या करना है, आपको उपाय ये करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना वर्ष पर्यंत करें और भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें और पंचमेवा का खीर अर्पित करना ना भूलें। और यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया होगा, गाड़ी खरीद सकते हैं, नए तरीके के घर बनवा सकते हैं, तो आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। भाग्य गुरु में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।